हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CITS के लेके, CTI या CITS ये क्या है, आपका इसका फॉर्म जो चल रहा है इस समय वो आपने फिलअप कर दिया। अगले 2 अगस्त इसका लास्ट डेट है CTI के फॉर्म एडमिशन का। ऑनलाइन नेमी एडमिशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कुछ क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम इसको यहाँ पर 20-21 तारीख को शायद इसने दिया है, एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा। तो आपने जहाँ से एंट्रेंस सेलेक्ट किया होगा, पहला फर्स्ट चॉइस ही इसमें मिल जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। तो फर्स्ट चॉइस में आपने एग्जाम सेंटर जहाँ डाला था वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देन अब बात करें तो इसका सिलेबस क्या होता है, कैसा पेपर आएगा, किस तरीके का आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लीजिए, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन उसके बाद में क्या है, 75 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आएंगे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि नॉन टेक रहेगा, उसमें मैथ रहेगा, नॉर्मली मैथ रहेगा, लासा मासा फ्रैक्शन वगैरह, भिन्न वगैरह, और आपका छोटे मोटे 2-4 सवाल, ऐसे इस प्रकार के आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। और बाद बाकी 75 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से आएगा। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो इलेक्ट्रिशियन आएगा, फिटर हैं तो फिटर आएगा, वेल्डर हैं तो वेल्डर आएगा, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट है, कोपा है तो कोपा का आएगा। तो आपका जो थ्योरी से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि पिछली बार में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था। तो इस समय अगर आप 100 में से 50 नंबर ले आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको CTI के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि CTI के बारे में मेरी एक प्लेलिस्ट में CTI हैदराबाद नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें बहुत सारे मैंने अपने CTI के वीडियो डाल रखे हैं, जो कि CTI मैंने हैदराबाद से की है, NSTI हैदराबाद से मैंने CTI किया हुआ है 2019-20 बैच में, ठीक। तो उसके रिगार्डिंग आप, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, देखिए NSTI अच्छा रहता है, ITOT अच्छा रहता है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है काउंसलिंग के दौरान, ठीक। तो इसमें मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करके आने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे क्वेश्चन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई ना कोई आपका नंबर मिल ही जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।